नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हमारा देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। इस उपलक्ष्य में पूरे देश में कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। इसी बात पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया है। आइए सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें, तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। प्रधानमंत्री जी की अपील पे आज सारा देश हर्षोल्लास से इस महोत्सव को सेलिब्रेट कर रहा है। हर एक की ये कोशिश है कि चाहे वो अपने घर पे या अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में, हर जगह तिरंगा लहराए। लेकिन हमेशा याद रखें, तिरंगा फहराने का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो हमारे फ्लैग कोड में दिया हुआ है। हमेशा याद रखें कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ तिरंगा। आइए इस वीडियो के द्वारा हम इन्हीं डूज एंड डोंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया का नेशनल फ्लैग डिजाइन किया था श्री पिंगले वेंकैया जी ने। उनकी याद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। हालांकि उस फ्लैग में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन फाइनली वो अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कि हुई थी 22 जुलाई 1947 में। हर घर तिरंगा, ये मुहिम जो प्रधानमंत्री जी ने अपील करी है और इसकी शुरुआत करी है, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बहुत पहले 2002 में नवीन जिंदल जी ने भी अपने ही ऑफिस से शुरू करी थी। आइए जानते हैं इस बहुत ही अहम केस के बारे में। ये उन दिनों की बात है जब नवीन जिंदल जी विदेश में पढ़ाई करते थे। वहाँ उन्होंने देखा कि विदेश में बहुत सारे लोग अपने घरों के आगे अपने देश के झंडे को लगाते हैं। उसी से इंस्पायर होकर जब वो वापस लौटे तो उन्होंने अपने ऑफिस में देश का झंडा लगाया। इस बात पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया और ये कहा कि ये फ्लैग कोड के अगेंस्ट है, क्योंकि किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या घर में तिरंगा नहीं लहराया जा सकता। ये एक ऐसा केस है जिसमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विच हैज़ बीन मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई। आर्टिकल 19(2) के बारे में बहुत अच्छे से हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी इंसान अगर पूरे सम्मान के साथ अपने देश का झंडा फहरा रहा है, चाहे वो अपने ऑफिस के प्रमाइसेस में हो या फिर वो अपने घर में हो, तो उसको रोकना गलत है। कोर्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ के केसेस को कोर्ट किया गया, जिसमें ये बताया गया कि ऐसा बहुत सारी कंट्रीज़ में होता है कि लोग अपने घरों पर, ऑफिसेज में देश का झंडा फहराते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिसे हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई इंसान उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने घर या ऑफिस में झंडा फहराता है तो उसका सम्मान करना चाहिए और उसे नहीं रोकना चाहिए। आइए जानते हैं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है क्या। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 26 जनवरी 2002 में बनाया गया, जिसमें कई तरह के लॉ, कन्वेंशन, प्रैक्टिसेस और इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है जो कि नेशनल फ्लैग से रिलेटेड है। और उसके डिस्प्ले के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है कि नेशनल फ्लैग को प्राइवेट, पब्लिक और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कैसे, कब लगाया जाए। रिसेंटली ऑन 30th दिसंबर 2021 इंडियन फ्लैग कोड हैज़ बीन अमेंडेड।
इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हैं, जिसमें से मेजर चीज़ है कि अब जो झंडा है वो पॉलिएस्टर या मशीन मेड भी हो सकता है। और एक और चीज़ जो इस अमेंडमेंट में कही गई थी कि जो नेशनल फ्लैग होता है वो हैंडस्पन एंड हैंड वूवन और मशीन मेड कॉटन, पॉलिएस्टर, वूल, सिल्क, खादी, इनमें से किसी भी कपड़े का बन सकता है। इसके अलावा तिरंगे के शेप और साइज़ के बारे में भी कहा गया है। शेप हमेशा ही रेक्टेंगल होना चाहिए, साइज बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका रेशो हमेशा 3:2 का होना चाहिए। फ्लैग कोड के अनुसार अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट या एजुकेशनल, हर समय फ्लैग को अपने इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन पे फहरा सकती है। अब आपको सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को फ्लैग लगाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पुराने फ्लैग कोड के अनुसार आप फ्लैग को सिर्फ सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले ही लगा सकते थे, मतलब आप सिर्फ दिन में फ्लैग को लगा सकते थे, लेकिन अब आप फ्लैग को दिन और रात दोनों समय फहरा सकते हैं। आपको फ्लैग एक बार लगा लिया तो आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, पर हमेशा ये ध्यान रखें कि उसकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। बहुत सारे सरकारी संस्थान और एयरपोर्ट में आपको फ्लैग दिन और रात दोनों समय फहराता हुआ नज़र आएगा। यदि आप अपने घर में फ्लैग फहराना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए उसे अपने घर के सबसे ऊपर स्थान पर लगाइए, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। फ्लैग हमेशा सीधा लगाना चाहिए और वो कहीं से भी फटा नहीं होना चाहिए, यानी पूरे मान और सम्मान के साथ आप अपने इस तिरंगे को अपने घर के ऊपर लगा सकते हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें जो पूर्णतः निषेध है फ्लैग के लिए। पहला, फ्लैग को कभी भी ओढ़ा नहीं जाना चाहिए, ना तो उसे आप वस्त्र के रूप में ओढ़ सकते हैं, ना ही किसी प्राइवेट मेंबर के फ्यूनरल पर उसको ओढ़ा सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए नेशनल फ्लैग को ना पूरी तरीके से, ना कोई भी पोर्शन उसका, कभी भी कॉस्ट्यूम, यूनिफॉर्म या एसेसरी के रूप में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना ही आप अपने किसी भी वस्त्र में उसको एज अ एम्ब्रॉयडरी यूज़ कर सकते हैं, ना उस फ्लैग को प्रिंट कर सकते हैं, ना कुशन बना सकते हैं, ना हैंकरचिफ्स, ना नैपकिन, ना अंडरगारमेंट्स, ना कोई ड्रेस मटेरियल। बेसिकली आप फ्लैग को किसी भी रूप में अपने वस्त्र के रूप में नहीं पहन सकते। अगर आपने फ्लैग कहीं पर रखा है तो उसको पूरे मान सम्मान के साथ रखना है, इसलिए उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं जाना चाहिए। फ्लैग को आप किसी भी चीज़ पे रैप करके नहीं दे सकते, ना आप किसी को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। एक और बात याद रखिए, आप किसी भी तरह के वाहन का कवर नेशनल फ्लैग को नहीं बना सकते हैं, ना ही साइड में, ना बैक में, ना टॉप पर। तिरंगे को फोल्ड करने के भी अपने नियम हैं। हमेशा याद रखिए तिरंगा जब आप फोल्ड करें तो अशोक चक्र हमेशा ऊपर आना चाहिए, उसे फोल्ड नहीं करना है, और जब भी उसे किसी भी जगह पर रखें तो वो जगह साफ़ सुथरी हो, और उसे अपने हाथों में इस तरह लें। फ्लैग कोड के वायलेशन के बहुत सारे केसेस हैं, पर मैं आपके साथ यहाँ पे सिर्फ 3 केस डिस्कस करना चाहती हूँ जो कि बहुत फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा वायलेशन ऑफ फ्लैग कोड हुआ था। पहला केस है सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर ने एक केक काटा था जिसमें भारत का झंडा बना हुआ था। ये क्लियरली वॉयलेशन है फ्लैग कोड और ये अपमान है देश के तिरंगे का। दूसरा केस है अमिताभ बच्चन का। उन्होंने अपने प्रशंसकों के सामने देश के झंडे को ना सिर्फ अपने हाथ में कैजुअली लिया बल्कि उसको ओढ़ भी लिया। ये साफ साफ कहा गया है कि फ्लैग को आप किसी भी तरीके से वस्त्र के रूप में, चाहे वो शॉल जैसे, आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये भी वॉयलेशन है फ्लैग कोड का। तीसरा केस है शाहरुख खान का। ये भी फ्लैग कोड में लिखा हुआ है कि फ्लैग जो है वो आपको हमेशा बहुत ऊंचे स्थान पर लगाना है, उसको जब भी लगाएंगे वो आप सीधा लगाएंगे, और शाहरुख खान ने बहुत ही एक्साइटमेंट में एक बार फ्लैग को उल्टा अपने हाथ में ले लिया था और उल्टा लेकर फहराया था। ये भी वॉयलेशन है फ्लैग कोड का। तो ये थी जानकारी फ्लैग कोड के बारे में। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग इस फ्लैग कोड को ना सिर्फ फॉलो करेंगे और इसके साथ हम अपने तिरंगे का मान और सम्मान ज़रूर कायम रखेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखिए
तिरंगा सिर्फ हमारी पहचान नहीं है, हमारे मान है, हमारा अभिमान है।